हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके हाईली डिमांड के ऊपर हम लेकर आए हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करें, सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस कहां कहां तक हमारा जाता है। तो सिलेबस में हमसे पूछा गया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड, जैसे क्यूब दे दिया, ठीक है, कोन दे दिया, सिलेंडर दे दिया, उन सब सारा का सारा कॉम्बिनेशन पूछा है, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम से आपके क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इंटू अनदर, जैसे होता है ना कि एक आपका क्यूब है उसको मेल्ट करके उसी के थ्रू सिलेंडर बना दिया गया, तो उस टाइप वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और ये जो एक फ्रस्टम आपको देखने को मिलता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं आ रहा है इस बार, ठीक है, बस इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए इन्हीं के बेस्ड हम लोग 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि सरफेस एरिया वॉल्यूम के लिए सबसे पहले आपके लिए इंपोर्टेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आप कर लोगे और उसके बाद ये 10 क्वेश्चन देखोगे, आपको मजे आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक टेंट है जो सिलेंडर के फॉर्म का है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में देखने को मिल रहा है, ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। इसका हमें डायमीटर दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक जो डायमीटर दिया है वो दिया है 4.2 मीटर, ठीक है, अच्छी बात है। एंड हाइट इतना, और इसका हाइट भी हमें दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक का हाइट कितना दिया है 4 मीटर, ठीक है, अच्छी बात है। सरमाउंडेड बाई, अब देखिए सरमाउंडेड बाई और ऑन का मतलब समझिए, सरमाउंडेड बाई और ऑन, अगर ये सरमाउंडेड ऑन रहता, ठीक है, सरमाउंडेड ऑन अ कोन, ठीक है, अच्छे से समझेंगे, सरमाउंडेड बाई अ कोन है तो कोन ऊपर रहेगा, ठीक है, अगर बाई अ कोन रहेगा तो जो भी हमें शेप दिया हुआ है उसके ऊपर रहेगा, लेकिन ऑन अ कोन दिया रहेगा तो मतलब कोन नीचे है और कोन के ऊपर कुछ रखा हुआ है, और सरमाउंडेड बाई का मतलब है कि किसी चीज के ऊपर रखा हुआ गया है, जैसे सिलेंडर है तो सिलेंडर यहां लिखा हुआ है सरमाउंडेड बाई अ कोन, मतलब सिलेंडर के ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ कर रखोगे, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपका। ऑफ इक्वल बेस, इसका बेस सेम है, यानी कि जो इसका डायमीटर देखने को मिल रहा है वही डायमीटर इसका है। एंड हाइट, इसका हाइट हमें गिवन है, इसका हाइट हमें गिवन है कितना, 2.8 मीटर, ठीक है, इतना हमें गिवन है, अच्छी बात है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टेंट, तो सबसे पहले तो हमें कैपेसिटी ऑफ टेंट निकालना है, यानी कि यूं बोले तो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, अच्छी बात है। एंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट, इतना रुपीज पर स्क्वायर मीटर, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है, या दूसरे फॉर्म में हम लोग बोले तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें डायमीटर दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, कोन का रेडियस और साथ ही साथ सिलेंडर का रेडियस दोनों सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना होगा, तो ये कितना है 4.2 का हाफ है ना, 4.2 डायमीटर दिया ना भाई, तो रेडियस तो हाफ हो जाएगा ना, तो कितना हो गया 2.1 मीटर, कितना आ गया 2.1 मीटर। उसके साथ साथ हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है हमें, हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है, कोन का हाइट कितना दिया है, दैट इज 2.8 मीटर। उसके साथ साथ हाइट ऑफ सिलेंडर भी हमें गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 4 मीटर। तो सबसे पहले हमसे पूछा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टेंट, यानी कि हमें पूछा है कि वॉल्यूम, तो हम लोग लिखेंगे कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वही लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए और हमारा सारा का सारा वैल्यू जो है फाइंड आउट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको एच डैश बोल देते हैं, ठीक है, एच डैश किसको बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन को, ठीक है, और आर दोनों का तो सेम है, ठीक है, पाई कॉमन, आर दोनों का, क्योंकि आर हमारा सेम है इसलिए आर स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इनटू इधर क्या हो गया, एच हो गया, प्लस 1/3 इधर क्या हो गया, एच डैश, क्या हो गया, एच डैश, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना है, कुछ लेने बोला है क्या, नहीं बोला है, पुट कर लीजिए 22/7, कितना पुट कर लेना है,
22/7, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है, किसी का भी आर ले लो ना, दोनों का आर सेम है, तो हमारे पास है 2.1 इंटू 2.1 इंटू एच। एच का वैल्यू कितना है, किसका एच, तो सबसे पहले हमें दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एच कितना है, दैट इज 4 प्लस 1/3 इंटू इसका एच कितना है, दैट इज 2.8। अब आप समझदार हो, कैलकुलेशन तो आराम से कर सकते हो। देखो यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा कितने, 0.3 टाइम्स में, 0.3 टाइम्स में, ठीक है। तो हम लोग इधर क्या लिख सकते हैं तो यहां पे हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, पहले लिख लेते हैं 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1 और इंटू ऐड कर देंगे, कितना होगा 2.8 और 4 12 12 2 14, यानी कि 14.8 है ना, 14.8 डिवाइडेड बाय 3। इसको आप टोटली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, सारा हम लोग का क्या मल्टीप्लाई में ना, 3 से इसको भी उड़ा दो 0.7 टाइम्स में, सबका आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है, दैट इज 68.3376, इतना क्या मीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम या कैपेसिटी है, यानी कि वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया है। तो ये हो गया हमारा क्या, कैपेसिटी ऑफ द टेंट का आंसर। सेकेंड में दिया हुआ हमें कि कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट, ठीक है, और उसके साथ साथ रुपीज भी हमें गिवन है, तो चलिए उसका भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आई होप कि ये पार्ट आपने नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, भाई हमें क्या पूछ रहा है, कैनवास फॉर मेकिंग टेंट, तो हम लोग ऊपर वाले पार्ट में ही बोलेंगे ना, तो यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ही हम लोग को निकालना है, समझ गए ना, अच्छी बात है। तो हमारे पास क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम लोग यहां पे देखें तो हमारे पास क्या है, थोड़ा सा इशू होगा आपको यहां पे बनाने में, देखिए क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर एल, है ना, यही होता है ना, पाई आर एल, लेकिन एल तो हमें पता ही नहीं है, एल तो हमें पता ही नहीं है, अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh, यही होता है ना, 2πRh, अच्छी बात है। इधर हम लोग L निकाल लेते हैं, L इक्वल टू क्या होता है, दैट इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है, 2.8, कितना है 2.8, इसका स्क्वायर कर लिया प्लस R, R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है 2.1, तो इसको हमने लिख लिया 2.1 का स्क्वायर का रूट अंडर, का रूट अंडर। अब 2.8 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, दैट इज 7.84, और इसका अगर हम लोग ऐड करें तो आ जाएगा 4.41, इसका रूट अंडर, तो हमारे पास इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, दैट इज 415, तो आ जाएगा 12.25, ठीक है, और ये किसका होता है, दैट इज 3.5, ठीक है, कितना 3.5। तो ये हमारा L का वैल्यू हमारे पास निकल चुका है, सारा का सारा वैल्यू है आपके पास, पुट कर लीजिए, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए पाई आर दोनों के पास है, पाई आर कॉमन, तो इधर बच गया L प्लस 2, पाई आर तो कॉमन निकल गया, H किसका है, सिलेंडर का, याद रखोगे, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 2.1 इंटू या फिर अभी ब्रैकेट रखते हैं, L का वैल्यू कितना निकला है, दैट इज 3.5, कितना निकला है 3.5 प्लस 2 इंटू एच, एच किसका, सिलेंडर का, तो 4 2 8, ठीक है, समझ गए। तो हमारे पास क्या है, 22/7 इंटू 2.1 इंटू मल्टीप्लाई सॉरी ऐड कर दें, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 11.5, कोई कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल होगा, कितने टाइम्स में, 0.3 टाइम्स में। इसका वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वैल्यू हमारे पास आता है 3 2 6, ठीक है, अगर आप टोटली इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देखोगे तो वैल्यू ना आता है 75.9, है ना, इतना कर्व्ड सरफेस एरिया है तो इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि मैं इतना जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, तो उसका रीजन ये है कि मैंने ऑफलाइन क्लासेस में जब इसको पढ़ा रखा है तो इसी टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा है, हालांकि यही 10 क्वेश्चन मैंने वहां पर भी सॉल्व करा रखा है, इसलिए मेरे को सबका आंसर पता है। अब लिखेंगे हेंस क्या, कॉस्ट ऑफ कैनवस, है ना,
कोस्ट ऑफ कैनवस, यही ना हमें फाइंड आउट करना है, कोस्ट ऑफ कैनवस फाइंड आउट करना है। एक मीटर स्क्वायर का 100 रुपए, तो इतना मीटर स्क्वायर का तो हम लोग लिख लेंगे 75.9 × 100, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 759। 100 से मल्टीप्लाई है तो 7590, इतना क्या रुपीज, और ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हालांकि पहला ही क्वेश्चन बहुत बड़े लेंथ का है, लेकिन फिर भी आप अगर इसे बहुत अच्छे तरीके से देखोगे आराम से इसे आप बना लोगे। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन। अब देखिए माउंटेड ऑन क्या, माउंटेड ऑन अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक टॉय जो है कोन के फॉर्म में है, और कोन जो है माउंटेड ऑन, ये कोन जो है माउंटेड है किसके ऊपर, ऑन अ हेमिस्फीयर, इसलिए हेमिस्फीयर नीचे है और कोन जो है ऊपर है। ठीक है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो आइए गिवन लिख लेते हैं, गिवन रेडियस ऑफ क्या, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और आपको ये पता है क्योंकि ये इसके ऊपर माउंटेड है, तो अगर इसका रेडियस ये है तो इस कोन का भी रेडियस सेम होगा, तो रेडियस हेमिस्फीयर इक्वल्स टू क्या होगा, रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना होगा, इक्वल्स टू कितना होगा, दिया हुआ हमें 3.5 सेंटीमीटर, कितना 3.5 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ टोटल हाइट दिया हुआ है ना, टोटल हाइट इसका मतलब क्या हुआ, टोटल हाइट हमें दिया हुआ है दैट इज कितना 15.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग हाइट ऑफ द कोन के बारे में बात करें, क्या हाइट ऑफ कोन के बारे में बात करें, तो हाइट ऑफ कोन कितना होगा, दैट इज 15.5 माइनस, देखिए टोटल हाइट कितना दिया 15.5 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि ये वाला पार्ट हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का ये क्या होगा, रेडियस, यानी कि इसको अगर हम लोग माइनस कर दिए तो हमें पता चल जाएगा यहां से हाइट कितना है, और वही हाइट ऑफ द कोन होगा, तो कितना है, दैट इज 3.5 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या आ गया, हाइट ऑफ द कोन आ गया। तो जो जो हमें चाहिए था सब अब हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले हमसे पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आपको याद है कि एल वाला कॉन्सेप्ट आता था कोन में, पाई आर एल वहां सरफेस एरिया आता था, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, हालांकि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं, तो हम लोग एल का कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, तो लिखेंगे नाउ L इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या रूट अंडर एच स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है, एच किसका, तो ये हमारा कोन का, कोन का भी हाइट निकाला है 12 का स्क्वायर 144 प्लस आर का स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू किसका, कोन का, दोनों का सेम है सर, और इसका है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका हम लोग कर लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3.5 का, दैट इज 12.25 एड कर लेंगे तो कितना होगा, दैट इज रूट अंडर 156.25, और इसका अगर आप रूट निकालते हो तो ये आता है दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, आप निकाल सकते हो 5 का स्क्वायर 25 और 12 × 12 + 1 13 × 12, तो ये हमारा 156 आ जाएगा, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब दोनों का, यानी कि इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया, या फिर यूं बोले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या हेमिस्फीयर। ठीक है, एच एस लिख दे रहा हूं, हेमिस्फीयर एचपी लिख दे रहा हूं। ठीक है, एचपी वो नहीं समझेंगे जो लैपी आता है एचपी का, ठीक है, प्लेसेस के कारण। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, बिल्कुल पाई आर एल, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो ये फॉर्मूला याद कीजिए कितना होता है भाई, कितना होता है, 2πr² होता है क्या, बिल्कुल होता है सर, उसका 4πr² हाफ हो गया 2πr². ठीक है, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, नहीं 3πr², ठीक है 2πr² इसका फॉर्मूला होता है, चलिए ठीक है। पाई पाई कॉमन ले लिया, आर और आर दोनों के लिए सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, तो हमारे पास क्या बचा, एल प्लस इसका क्या बचा,
पाई आर निकल गया तो 2R बचा, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ पे देखो सकते हो, बोल लिखा भी हुआ है। R, R का वैल्यू कितना है 3.5 इंटू L, L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 12.5 प्लस रेडियस कितना है, रेडियस 3.5 इंटू 2 दैट इज 7, दैट इज कितना 7, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 22/7 इंटू 3.5 प्लस इसको ऐड कर देंगे तो 19.5 कितना आ गया 19.5, ठीक है, अच्छी बात है। इसको काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। 5 5 25 25 2 50, यानी कि अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें सारा का सारा वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, क्योंकि हमने एरिया निकाला है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है, ठीक है। तो एक पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। मिटा दिया जाए क्या इसको, अब मिटा दिया जाए, अच्छी बात है, ठीक है, मिटा दिया जाए ना, हाँ ठीक है। चलिए अब हमारा दूसरा, सॉरी इसको पार्ट को मैंने क्यों मिटा दिया, सॉरी यार सब याद है ना वैल्यू, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। ये हालांकि वैल्यू मेरे गलती से मिटक गया। अब हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ टॉय, है ना, वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन प्लस क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, एचपी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो 1/3 πr² यही ना होता है, 1/3 πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, फटाफट से बताइए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 πr³ या πr² क्यूब, ठीक है। 1/3 1/3 कॉमन, पाई और पाई कॉमन, आर दोनों के लिए सेम है, आर स्क्वायर इधर भी है तो आर स्क्वायर कॉमन, तो इधर क्या बचा एच प्लस इधर क्या बचा 2r, ठीक है। अब तो सिंपल सा है 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू 3.5 था ना, तो हमने लिख लिया 3.5 इंटू 3.5, ठीक है, इंटू एच, एच का वैल्यू कितना था, एच किसका, कोन का हाइट याद कीजिए कितना था 12, है ना, 12 था ना, इतना माइनस 3.5 तो 12 आता था, प्लस 2 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है दैट इज 3.5 इंटू 2 दैट इज 7, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब इधर कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल होगा 0.5 टाइम्स पे, तो हमारे पास क्या आ गया 1/3 इंटू 22 इंटू कितना आ गया 0.3, ठीक है, इंटू 3.5 इंटू 19, सारा आप कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई करके, कैलकुलेट करने पे हमारा वैल्यू आता है दैट इज 243.83 एंड दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि वॉल्यूम निकाला है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, एक सॉलिड सिलेंडर है और जिसका डायमीटर इतना है, हाइट इतना है, इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया जाता है एंड रिकास्ट इनटू द 12 टॉयज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ, अब ये सर्कुलर जो कोन है वो माउंटेड है किस पे, हेमिस्फीयर पे, यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ठीक है, मतलब इसका रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ टोटल हाइट ऑफ द टॉय, मतलब यहां से लेकर यहां तक का हमें टोटल हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 3 times द रेडियस, ऐसा हमें गिवन है, ठीक है। चलिए उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं, मतलब उसको पहले वहां छोड़ते हैं, सबसे पहले यहां आते हैं कि अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर इतना, रेडियस इतना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्या रेडियस ऑफ सिलेंडर, है ना, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, डायमीटर दिया है 12, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ, दैट इज 6 सेंटीमीटर। हाइट हमें गिवन है कितना, दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब इसको मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट किया जाता है कितना, 12 टॉयज में, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो वॉल्यूम ऑफ द 12 टॉयज का इक्वल होगा, ये तो आप मेरे से संतुष्ट रखते हो इस बात से, तो लिखते हैं Therefore, volume of cylinder कितना आएगा, that is volume of cylinder का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं πr² h, और ये जो volume होगा वो 12 twice के volume के इक्वल होगा,
ठीक है, ये भी आप मेरे से संतुष्ट रखते हो उस बात से, ठीक है, अच्छी बात है। अब पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर हमने लिया है तो 6 × 6 दैट इज 36 इंटू एच, हाइट का वैल्यू कितना है 15, हाइट का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया। पाई को पाई ही रहने दिया जाए क्या, पाई के टर्म्स में ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, फिर देखते हैं कुछ आगे पाई से पाई कोई कहीं कैंसिल हो जाए तो, ठीक है। तो अभी पाई को हमने क्या रहने दिया, पाई ही रहने दिया है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 6 = 90 कैरी 9, 15 × 3 = 45 और 3 दैट इज 54, इतना पाई आया है। क्या वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर किसमें है, तो ये हो गया हमारा इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम आया है वो 12 patch के वॉल्यूम के इक्वल होगा, यानी कि लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 12 toys का वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज 540 πcm³। ये वॉल्यूम ऑफ कितना हो गया 12 toys, ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 toy, एक toy का वॉल्यूम कितना होगा, एक टॉय का वॉल्यूम कितना होगा, ये इसको पहले फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम लोग डिवाइड दे देंगे कितना 12 से, तो 12 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 15 × 4 = 48 × 6 = 5, यानी कि इतना पाई, ठीक है, इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास क्या आया वॉल्यूम ऑफ 1 toy। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने वॉल्यूम ऑफ 1 toy क्यों निकाला, 12 toy तो दिया हुआ था, अच्छी तो था, 1 toy क्यों निकाला, ताकि हम लोग यहां से रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया है, हाइट ऑफ द कोन इज 3 times ऑफ रेडियस, यानी कि अगर रेडियस को हम लोग आर लेते हैं तो हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, दैट इज 3r, कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, दैट इज 3r। नाउ अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन टॉय, एक टॉय का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ एचपी, यानी कि हेमिस्फीयर। बोलिए आप संतुष्ट रखते हैं कि नहीं इस बात से, बिल्कुल रखते हैं, अच्छी बात है। अब वॉल्यूम ऑफ वन टॉय कितना है, तो हमारे पास है 45 pi, ठीक है, इसलिए पाई से पाई अभी कैंसिल होगा। देखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो होता है 1/3 πr²h। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट ना आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी मजा आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ एचपी क्या होता है, 2/3 πr³, तो हमारे पास आ गया 25 πr = 1/3, हमने कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एच प्लस 2r हमारे पास आ गया। अब देखिए पाई से पाई यहाँ पे क्या हो गया, मर गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 45 = 1/3 × r, r का वैल्यू कितना है, रेडियस हमारे पास है 6² दैट इज 36, ठीक है, इंटू एच, एच का वैल्यू कितना है 15 प्लस 12, 6 × 2 = 12, तो 15 और 12 कितना हो गया, दैट इज 27, कितना हो गया 27। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था यार, सॉरी, हमें तो रेडियस ऑफ सिलेंडर गिवन है, लेकिन यहां सिलेंडर का कुछ काम है क्या, नहीं है ना, तो फिर सर हमने कैसे काट दिया, हमने कहां काटा सर, आपने काट दिया, आप बदमाशी करते हो, हम थोड़े ही करते हैं, हम तो अपने मन में बोले ही जा रहे थे कि आप गलत कर रहे हो, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 1/3 पाई को पाई हमने रख लिया और हमारे पास r, r का वैल्यू कितना ही है, r ही है, तो हमने लिख लिया r का स्क्वायर। अब हाइट को हमने क्या लिया है, कि हाइट ऑफ द कोन इज 3 times ऑफ रेडियस, यानी कि हाइट कितना है 3r है, तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3r प्लस, ये तो हमारा सेम होगा 2/3 πr, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज r³। अब यहां पे अगर आप ऐड कर दो, 3 से 3 मर जाएगा, तो हमारे पास कितना होगा πr³ + 2/3 πr³, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास 3 + 2 = 5, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 5πr³/3, इतना हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बाई वन करके एलसीएम लेना है, बाई कुछ नहीं है, r² × r, r³ हो गया ना। अब देखिए क्या हो गया, पाई से पाई मर गया, ठीक है,
अब ये 3 के टेबल 5 के टेबल में कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, 9 3 जा 27, यानी कि r क्यूब का वैल्यू कितना है 27 है। तो यहां से हम लोग r निकाले तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, दिख रहा है अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास r का वैल्यू कितना आ चुका है, r का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, यही तो हमसे पूछा था, तो हमसे r का वैल्यू आ गया है दैट इज 3 सेंटीमीटर और हाइट कितना है दैट इज 9 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना यहाँ पे? तो हाँ, यहाँ बिल्कुल हमारा आंसर जो है वो 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर नहीं है। हमसे पूछा था, क्या पूछा, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय। तो रेडियस कितना आया दैट इज 3 सेंटीमीटर, लेकिन टोटल हाइट कितना आया भाई, यहां से लेकर यहां तक का हाइट कितना आया, तो ये आया है 3 और हाइट आया है 9, यानी कि टोटल हाइट कितना हो गया 12 सेंटीमीटर एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करके रख देगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज इतना, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे गिवन लिखना चाहें तो गिवन में क्या दिया है, सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छी बात। एंड डायमीटर इतना, तो हम लोग रेडियस लिख सकते हैं क्योंकि हमें रेडियस से ही काम होता है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना होगा दैट इज 10 बाय 2 दैट इज कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छी बात है। कॉनिकल कैविटी, कॉनिकल कैविटी मतलब जैसे होलो आउट करके बाहर निकाला जाता है ना, तो यहां से पार्ट करो काट करके ऐसे बाहर निकाला गया है, उसको कैविटी बोलते हैं। कैविटी मतलब एक टाइप का होल बोल सकते हैं। ठीक है, अब सेम हाइट का कैविटी यानी कि कट किया गया है और सेम डायमीटर के साथ होलो आउट किया गया है। ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हमें बताना है क्या क्या बताना है कि रिमेनिंग सॉलिड का कि कितना वॉल्यूम है और फिर रिमेनिंग सॉलिड का कितना टोटल सर्फेस एरिया है। तो देखिए, होलो किसको किया गया है, तो एक कोन को होलो आउट करके बाहर निकाला गया है। तो अगर हमसे पूछ रहा है रिक्वायर्ड वॉल्यूम यानी कि होलो आउट करने के बाद वॉल्यूम कितना बचा है, तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और माइनस कर देंगे उसमें क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, तो हम लोग जानते हैं दैट इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 πr²h। ठीक है, 1/3 πr²h, क्योंकि r का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, r का वैल्यू दोनों के लिए सेम ही होगा ना, क्योंकि दोनों सेम बेस पे है और सेम हाइट भी है और सेम डायमीटर भी है, तो सबका होगा। ठीक है, यानी कि सब या सारे के सारे वैल्यू को माइनस कर सकते हैं, बाई वन लेकर माइनस करेंगे तो 3 - 1 2 दैट इज हमारे पास आ जाएगा 2/3 πr²h, 2/3 πr²h। अब वैल्यू पुट कर लीजिए कितना होगा, 2/3 × π का वैल्यू 22/7 × r, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 5 × 5 = 25 × h, h का वैल्यू कितना 12, इससे इसको कैंसिल कर देंगे कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, अच्छी बात है। यहीं पे कर लेते हैं, कितना होगा दैट इज 44 × 100/7, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 4400 है ना, 4400 divided by 7, ये हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपको डिवाइड करके लिखना है आप डिवाइड करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमें कितना वॉल्यूम हमारे पास बच गया है। नेक्स्ट हमसे दिया है कि टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो उसके लिए भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, मिटा दिया जाए इसको, मिटा कर बोलते हो सर मिटा दिया जाए, तो देखिए रिक्वायर्ड ऐसे लिख दे रहे हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होगा दैट इज सरफेस एरिया ऑफ किसका कौन सा होगा सिलेंडर माइनस सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस सरफेस एरिया ऑफ कोन।
क्या ऐसा होगा क्या, क्या ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? तो अगर आप ऐसा कर देते हो वॉल्यूम को देखकर कि यही हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से देख देख कर बनाने की जरूरत है यहाँ, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमारा वही रहेगा, दैट इज रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। देखिए अगर इसी पार्ट को हम लोग बनाए, इसी पार्ट को अगर हम लोग बनाए तो कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, इस पार्ट से, इस पार्ट हमें देखने को मिलेगा कि ऐसा कुछ होलो करके बाहर निकाला गया है, ठीक है। होलो आउट करने के बाद कुछ इस टाइप का सॉलिड हमारे पास बच गया है, ठीक है, इसी टाइप का सॉलिड बचा हुआ है, अच्छी बात है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका बताइए कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया में कौन सा, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, उसके अंदर से होलो करके निकाला गया है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज, अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर, प्लस उसके साथ साथ ये वाला पार्ट, अभी आपने क्या किया, इसके ऊपर वाले पार्ट, ऐसे वाले पार्ट को कर्व्ड किया है, इस पार्ट को भी तो कर्व्ड करना पड़ेगा, और ये कौन सा पार्ट है, दैट इज कोन, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपने इस पार्ट को कर लिया, लेकिन आपने अभी तक इस पार्ट को कर्व्ड नहीं किया है, ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि क्या, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, या फिर आप यहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो एरिया ऑफ अपर बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, समझने के ऊपर है, आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दैट इज 2πRh, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πRL, अगेन L जो है ना अब हमें तबाह करेगा, फिर से L निकालो अलग से, ठीक है, प्लस कितना, πR2। चलिए हम लोग इधर L निकाल देते हैं, L इक्वल्स टू क्या होता है, √h2 + r2, तो L इक्वल्स टू √ टोटल हाइट कितना है, तो टोटल हाइट दिया है 12 का स्क्वायर 144, प्लस R का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर 25, 169 आएगा, तो L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। चलिए पुट कर लेते हैं, 2 × 22/7 × r, R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू हमारे पास है 5, इंटू एच का वैल्यू कितना है 12, प्लस पाई का वैल्यू कितना है 22/7, इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 5, इंटू एल का वैल्यू कितना है 13, प्लस 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि कितना 25। ये इस टाइप से बहुत ज्यादा हॉचपोच टाइप का नहीं हो गया, अगर हम लोग इसको यहाँ पे, अगर हम लोग इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, और यहां पर मैं कॉमन लेकर जैसे बनाता हूं वैसे ही बना देता हूं, पाई कॉमन ले लिया, आर सबके पास है, आर कॉमन ले लिया, और कुछ तो नहीं है कॉमन, अच्छी बात है, यहां पे क्या बचा 2h, प्लस पाई आर कॉमन ले लिया तो l, प्लस यहां पे क्या बचा, पाई आर कॉमन ले लिया तो r, ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना 5, प्लस 2h, h का वैल्यू कितना 2h, तो 2 इंटू h का वैल्यू कितना है 12, तो हो गया 24, है ना, 12 × 2 = 24, प्लस L, L का वैल्यू कितना, दैट इज 13, प्लस R का वैल्यू कितना 5, ठीक है। अब तो हमारे पास कैलकुलेशन सिंपल होता जा रहा है, ये हो गया 22/7 इंटू 5 इंटू कितना हो गया 42, कितना हो गया 42, इससे इसको कैंसिल कर देंगे कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 6×5=30, और तो यहां पे आ गया हमारे पास कितना 660 एरिया हमने निकाला है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए समझ में आया नहीं आया, बहुत सिंपल सा था ना, ठीक है, फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ क्यूब, है ना, एक सॉलिड जो है क्यूब से बना हुआ है, एंड अ हेमिस्फीयर अटैच्ड ऑन इट्स टॉप, एक हेमिस्फीयर जो है इसके ऊपर में अटैच्ड कर दिया गया है, ठीक है, एज सॉन इन फिगर, जैसा कि फिगर में आपको देखने को मिल रहा है, इच एज ऑफ द क्यूब मेजर 5 सेंटीमीटर, हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, हर एक का एज दिया है, साइड दिया हुआ है, अच्छी बात है, एंड द हेमिस्फीयर हैज अ डायमीटर इतना, और जो हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है इतना, तो हम लोग सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या है एज, यानी कि साइड ऑफ क्यूब कितना है, डेट इज 5 सेंटीमीटर, और उसके साथ साथ हमें दिया हुआ है डायमीटर, तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ किसका, हेमिस्फीयर, है ना,
रेडियस ऑफ एच पी लिख देते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है, कितना हो जाएगा, दैट इज 4.2 डिवाइडेड बाय 2, है ना, यानी कि आ गया 2.1 सेंटीमीटर। नाउ अब हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, वो कौन सा एरिया जिसको पेंट किया जाएगा, तो एक तो पूरा क्यूब को किया जाएगा और यहां पे जो पार्ट बचेगा वहां पे हम लोग इसको करेंगे, किसको करेंगे, दैट इज हेमिस्फीयर को हम लोग करेंगे, यानी कि कौन कौन सा एरिया हम लोग कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, टीएसए ऑफ क्यूब, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब, लेकिन यहां पर हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे हमारे पास कौन सा रखा हुआ है, हमें हेमिस्फीयर रखा हुआ है, यानी कि एक इस टाइप का सर्कल जो रहेगा, एक टाइप इस टाइप का सर्कल जो रहेगा वो बच जाएगा, यानी कि हम लोग कर देंगे माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हेमिस्फीयर वाला ये हमारा ऐड हो जाएगा, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, एचपी, यानी कि हेमिस्फीयर। सब वैल्यू पुट कर दो भाई, फटाफट से बन जाएगा। देखो क्या है, यहाँ क्यूब का क्यूब यू ई होता है भाई, इसको आप लोग सपोज कर लोगे, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है। तो अब क्या है कि हम लोग यहां से निकालेंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, माइनस माइनस, या फिर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एचपी। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बताइए मेरे को, फटाफट से बताइए, अभी मैंने बताया था आपको 2πr³ नहीं स्क्वायर, 2πr², ठीक है, अच्छी बात है। अब 6 into a का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू 2.1, तो हमारे पास आ जाएगा 4.41, ठीक है, प्लस स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 into 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर करेंगे, हालांकि इसको माइनस कर देना चाहिए था हमें पहले, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए अब लिख लिया तो लिख लिया, आर स्क्वायर तो वही हो जाएगा हमारे पास क्या, 4.41, ठीक है, अच्छी बात है। ये कितना हो जाएगा 150, माइनस माइनस इसको कैंसिल कर दिया जाए, क्या इसको कैंसिल कर दिया जाए, इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2πr² और माइनस पाई स्क्वायर, तो बचेगा प्लस पाई स्क्वायर, तो इसको प्लस कर देते हैं और इसको हटा देते हैं, समझ गए ना कैसे हुआ प्लस, ठीक है, क्यों उतना हम लोग झंझट पाले, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको हम लोग ले लें तो कितना आ जाएगा 0.44, यानी कि 6 टाइम्स में 213, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे यानी कि 22 into 0.63, है ना, 22 into 0.63, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, दैट इज हमारे पास कुछ आएगा 13.86। आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे, ठीक है, इतना आपको वैल्यू देखने को मिलेगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, अगर कहीं पे आपको थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए आप हमें तहे दिल से बहुत माफ कर देंगे, ठीक है, और ये हो गया हमारा राइट आंसर। गलत तो होने दो सर, कमेंट में भर देंगे हम कि आप गलत कैसे कर दिए ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, बच्चे ना इतना कमेंट करके तबाह कर देते, सर ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। देखिए यहाँ पे अगेन दिया है माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी कि जो कोन है वो किस पे है, हेमिस्फीयर पे, अच्छी बात है। ऑफ कॉमन बेस ऑफ रेडियस इतना, यानी कि हम लोग गिवन लिख सकते हैं, गिवन क्या लिख सकते हैं कि जो रेडियस, रेडियस ऑफ कोन होगा, जो रेडियस ऑफ कोन होगा वही वही सेम होगा हमारा क्या, रेडियस ऑफ एचपी, यानी कि हेमिस्फीयर, जो कि कितना है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। साथ ही साथ टोटल हाइट ऑफ द टॉय है ना, टोटल हाइट हमें दिया हुआ है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय हमें गिवन है 31 सेंटीमीटर, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दैट इज हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन कितना होगा, देखिए यहां से यहां तक का टोटल हाइट हमें गिवन है कितना है 31, और हमें पता है कि ये पार्ट क्या है, इसका रेडियस है, तो ये पार्ट भी क्या होगा, रेडियस होगा, तो यहां से यहां तक का पार्ट रेडियस है और रेडियस हमें गिवन है 7 है, तो अगर हम लोग 31 में से 7 माइनस कर दें तो यहां से यहां तक हाइट पता चल जाएगा, यानी कि 31 - 7 जो कि कितना होता है, दैट इज 24 सेंटीमीटर, और यही हो गया हमारा हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और आपको पता है कि दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया, खास करके कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया में एल वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो लिखेंगे नाउ, है ना, यानी कि स्लैंट हाइट आता है, तो एल इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर एच का वैल्यू कितना है, कोन का कितना है, दैट इज इतना है 576, प्लस आर का वैल्यू कितना 7 का स्क्वायर 49, और ये सब आपको फैमिलियर होंगे कि ये होता है 625, जिसका वैल्यू आता है 25 सेंटीमीटर, कितना आता है 25 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया, तो हम लोग निकालेंगे TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए हमारे पास क्या होगा, दैट इज सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस क्या हो जाएगा, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि HP। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, दैट इज पाई आर एल, कितना होता है पाई आर एल, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, दैट इज 2πr², पाई पाई दोनों के पास कॉमन, आर और आर दोनों का सेम है, तो आर हमने कॉमन ले लिया, यहां पे बचा एल प्लस यहां पे बचा 2r, कितना बचा 2r, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू एल का वैल्यू कितना होता है, तो एल का वैल्यू अभी निकाला है, दैट इज 25 इंटू एल, एल का वैल्यू कितना है, सॉरी पाई का वैल्यू, सॉरी पाई आर है यार, कुछ भी आर, आर का वैल्यू कितना है 7, तो हमने यहां पुट कर लिया 7, ठीक है, प्लस एल, एल का वैल्यू कितना है, तो एल का वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 25 प्लस 2r, 2 इंटू आर दैट इज 24, है ना, 7 × 14, अच्छी बात है, तो कितना हो गया 22, 7 से 7 मर गया, तो इसको ऐड कर देंगे, कितना होगा, दैट इज 39, और आपको पता है 39 × 2 = 78 कैरी 7, और ये हो गया 85, इतना क्या आ गया, क्योंकि सरफेस एरिया निकाला है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस इतना, एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस इतना है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द स्मॉलर कोन्स, और छोटे छोटे स्मॉलर कोन्स में, मतलब बहुत सारे स्मॉलर कोन्स में इसको रिकास्ट कर दिया जाता है, जिसमें हर एक का रेडियस इतना है, हाइट इतना है, तो हमें बताना है कि टोटल कितना कोन्स जो है वो हमें मिलेंगे, ठीक है, टोटल कितने कोन्स हमें फाइंड आउट होंगे, तो चलिए हम लोग सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या है, एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है, है ना, तो हम लोग लिख देंगे रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना, मेटालिक स्फीयर या स्फीयर लिख सकते हैं आप, कितना है, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्योंकि स्फीयर को मेल्ट करके और एक कोन के फॉर्म में चेंज किया जा रहा है, इसका मतलब जब भी मेल्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है सबका वॉल्यूम सेम होता है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ जितने भी स्मॉलर कोन्स होंगे उसके वैल्यू के, ठीक है, अच्छी बात है, देयरफॉर इसका हम लोग यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग जानते हैं, दैट इज 4/3 πr³, तो 4/3 π, पाई का वैल्यू कितना है भाई, पाई को पाई ही रहने देते हैं, ताकि अभी हम लोग इसका भी वैल्यू निकालेंगे ना, तो उसको भी पाई के टर्म में ही निकालेंगे, किसका, कोन्स का, ठीक है, r³ कितना है, दैट इज 10.3, तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी 10.5 है ना, तो इंटू इसको लिख सकते हैं 10.5 × 10.5 × 10.5, ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दें, नीचे में कितना आ जाएगा, दैट इज, सॉरी इसको ऐसा कर दीजिए 10.5 है ना, तो 10.5 को हम लोग 21/2 लिख सकते हैं, क्या 21/2, 21 को 2 से डिवाइड देंगे इतना ही आएगा ना, यानी कि 10.5 को हम लोग लिख सकते हैं 21/2, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 21/2 × 21/2 × 21/2, ठीक है, 3 के टेबल में 7 टाइम्स, 2 के टेबल में 2 × 2 = 4, ये तो कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, अच्छी बात है,
यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था 21 into 21, दैट इज 441 into 7 pi, इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या इसी टाइप से भी छोड़ दो, ठीक है, इसी टाइप से छोड़ दो, ठीक है। नाउ 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 अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉलर कोन्स दिया है, यानी कि हर एक का इतना दिया है, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ ईच कोन, रेडियस ऑफ ईच कोन, हर एक कोन का रेडियस कितना दिया हुआ है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ हाइट कितना दिया है, एंड हाइट ऑफ ईच कोन, तो एंड लिख ले रहे हैं क्या, हाइट कितना दिया है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया है 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है, ठीक है, अच्छी बात है। नाउ अब हम लोग निकाल लें वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, तो हम लोग लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, है ना, ईच कोन का वॉल्यूम कितना होगा, तो हर एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज 1/3 πr²h, यही होता है ना, 1/3 πr²h, 1/3 इसको भी पाई के टर्म में रखा है, इसको भी पाई के टर्म में रखते हैं, इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू इसके लिए कितना है, आर का वैल्यू है 3.5, तो 3.5 into 3.5, तो यहां पे लिख लेंगे इंटू 12.25, इंटू हाइट, एच का वैल्यू कितना है 3, देखिए 3 से 3 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा मर गया, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको, दैट इज 12.25 pi, हाँ वॉल्यूम ये भी निकाला है, तो ये भी होगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, ये भी वॉल्यूम निकला है, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब, कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वाला ना पॉइंट में है, ये वाला ऐसे नंबर वाला वैल्यू है, तो इसको भी हम लोग नंबर वाले वैल्यू में चेंज कर लेते हैं, यानी कि 49/4 pi, इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब, ये अगर इसको डिवाइड दे दो इतना ही आ जाएगा आपको, ठीक है, इतना ही आ जाएगा। अब नाउ हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर निकालना है कि हाउ मेनी कोन्स आर ऑब्टेन, तो एन इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ ये क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, ठीक है, अच्छी बात है। तो n इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, दैट इज 441, है ना, कितना है 441 into 7 pi, डिवाइडेड बाई कितना है, इसका है 49 pi, और डिवाइड बाई 4 ऊपर चला गया, ये इधर चला गया, ठीक है, ये इधर चला गया, अच्छी बात है। अब इसको हम लोग डिवाइड देते हैं, कितने टाइम्स में चला जाएगा, 9 टाइम्स में चला जाएगा, क्या 9 टाइम्स में, 7 के टेबल में 7 टाइम्स, और 7 के टेबल में ये चला गया 6 और 3, 63 टाइम्स, ठीक है, 63 टाइम्स में, अच्छी बात है। फिर 7 से इसको कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स में, तो ये आ गया हमारे पास 9 टाइम्स में, कितने बार में, 9 टाइम्स में, ठीक है, इतना ही था हमारे पास, ये 3 से 7 टाइम्स में कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया, ये हमारा इतना हो गया, जो कि 4 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, क्या हो गया मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है, अच्छी बात। यहां पे बाय 2 भी था, हमने यहां पे गलती कर दिया है, यहां पे बाय 2 था, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, समझ गए, इसीलिए ना हमारा आंसर जो था वो नहीं आ रहा था, ठीक है, ये 2 टाइम्स में, तो हमारे पास क्या हो गया, 9 7 जा 63, 63 2 जा 126, कितना हो गया 126। हालांकि इसको जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में करा रहा था तो मेरे को याद था कि इसका आंसर 126 आता है, ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत अच्छे से क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ होलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर इतना, इसका एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल हो गया और साथ ही साथ इंटरनल डायमीटर हमें दिया हुआ इतना है, इसका हाफ कर देंगे रेडियस मिल जाएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं गिवन रेडियस ऑफ या इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस इक्वल्स टू हाफ कर लेंगे कितना आ जाएगा, हाफ कर लेंगे यानी कि 4 सेंटीमीटर एंड कितना इसका हाफ कर देंगे 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, कैसा आ गया रिस्पेक्टिवली, ठीक है,
अच्छी बात है। उसके साथ साथ मेल्टेड, इसको मेल्ट किया जाता है, बेस डायमीटर दिया हुआ इतना, किसका, कोन का, तो हम लोग लिख सकते हैं रेडियस एंड एंड रेडियस रेडियस ऑफ कोन, है ना, कोन का रेडियस कितना होगा, दैट इज 8 का हाफ, यानी कि 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, दैट इज 4 सेंटीमीटर। बोलिए कंफ्यूजन है, नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। नाउ 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 अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द कोन फाइंड आउट करना है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इक्वल्स टू व्हाट, यही हमें फाइंड आउट करना है। यहां पे देखिए, क्योंकि इसको मेल्ट करके इसको बनाया जा रहा है, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम होगा, तो लिख सकते हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गिवेन स्फीयर, है ना, गिवेन स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ गिवेन स्फीयर क्या होगा, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल दिया हुआ है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। इसका मतलब क्या होता है सर, ये तो हमें समझ ही नहीं आता है। देखिए, जो हमें दिया हुआ है, क्योंकि ये जो है ना बीच में होलो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट ना, ये होलो है, खाली है। इसका मतलब जो मेन, इसको जो मतलब क्या मेल्ट किया जा रहा है, वो इस वाले पार्ट को मेल्ट किया जा रहा है, इस वाले पार्ट को क्या किया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है। और अगर इस वाले पार्ट को मेल्ट किया जा रहा है, इसका मतलब इसी का वॉल्यूम इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम होगा। और इसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, तो हमने क्या किया कि यहां से यहां तक का वॉल्यूम निकाला, माइनस यहां से यहां तक का वॉल्यूम कर लिया, तो हमें पता चल जाएगा कि यहां का वॉल्यूम कितना है, वही कर लिया है, सेपरेट करके देख लो, वही हमने किया है। समझ गया, 3 से 3 मर गया, पाई से पाई मर गया, आर किसका, कोन का, कोन का रेडियस कितना है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू एच है, एच लिख लिया, यही हमें फाइंड आउट करना है, 4 है 4 लिख लिया, इंटू कैपिटल आर कितना है, एक्सटर्नल रेडियस कितना है 4 का क्यूब करना है, कितना होगा 64, माइनस स्मॉल आर यानी कि इंटरनल कितना है, दैट इज 2 का क्यूब, दैट इज 8, तो हमारे पास आ गया 16 इंटू एच इक्वल्स टू 4 इंटू 56, तो एच इक्वल्स टू कितना हो गया 4 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 16, 4 के टेबल में 14 टाइम्स, तो एच इक्वल्स टू कितना आ गया, दैट इज 14 सेंटीमीटर, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि हाइट ऑफ द कोन कितना होगा 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ हेमिस्फेयर बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस इतना इज फुल ऑफ लिक्विड। एक हेमिस्फेयर बॉल है जिसमें जिसका इंटरनल रेडियस दिया हुआ इतना, और उसमें क्या किया जाता है कि पूरा का पूरा लिक्विड फुल कर दिया जाता है। द लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल ईच ऑफ डायमीटर इतना एंड हाइट इतना, हाउ मेनी बॉटल आर नीडेड टू एम्पटी द बॉल। तो उसको एम्पटी करने के लिए कितना सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉल का यूज किया जाएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे गिवन लिखते हैं, क्या लिखते हैं गिवन में क्या लिखते हैं रेडियस ऑफ एचपी हेमिस्फीयर, ठीक है, कितना दिया है 9 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, दैट इज होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 इंटू पाई का वैल्यू पाई के ही टर्म में रहने दे क्या, बिल्कुल रहने देते हैं, इंटू आर क्यूब, आर का वैल्यू कितना है 9, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, दैट इज 729, ठीक है 729, 3 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स में 243 इंटू 2 कर लीजिए कितना हो जाएगा, दैट इज 684, इतना क्या पाई, इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हाँ ठीक है, इतना वॉल्यूम आ गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ फुल्ड ऑफ लिक्विड, द लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन द सिलिंड्रिकल शेप्ड, ठीक है, इसको सिलिंड्रिकल शेप्ड में भरा जाता है जिसका डायमीटर इतना है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, दैट इज 3 सेंटीमीटर,
है ना, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना होगा भाई 3/2 सेंटीमीटर, अच्छे से करोगे गलती हो जाएगा। हाइट, हाइट कितना है, यानी कि हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ नाउ अब इसका भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया जाए क्या, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू कितना है 20, पाई को पाई के ही टर्म में रखा है ना, बिल्कुल, तो पाई को पाई रख देते हैं, इंटू आर स्क्वायर, आर इसका कितना है भाई 3/2, 3/2 यानी कि 9/4, इंटू हाइट कितना है इसका 4, 4 से 4 मर गया, तो हमारे पास कितना आया 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इतना आया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना आया, हमसे पूछ रहा है कि कितना खाली करने में लगेगा, यानी कि एक सिलेंडर में इतना रखता है तो कितना सिलेंडर मिलकर इतना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, तो लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ बॉटल कितना होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज एचपी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एचपी हेमिस्फीयर का कितना है, दैट इज 486 पाई डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, दैट इज 9 पाई, पाई से पाई मर गया, 9 के टेबल में इसको कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स में आ जाएगा, 9, 5 जा और 3, 6, 4, यानी कि 54 बॉटल का जरूरत पड़ेगा, कितना बॉटल का, दैट इज 54 बोतल का जरूरत पड़ेगा, जिसमें इतना वॉल्यूम को कंज्यूम कर लेगा इतना सिलेंडर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने एक बार ये सारा का सारा क्वेश्चन अगर बिना स्किप किए देख लिया ना, फिर आप फोड़ कर आ जाओगे एग्जामिनेशन में, मैं बता रहा हूं आपको, एकदम अच्छे से फोड़ कर आ जाओगे। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्फेरिकल कैनन बॉल ऑफ इतना इन डायमीटर इज मेल्टेड, यानी कि ये जो स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम किसके सेम है भाई, रिकास्ट इन टू द राइट सर्कुलर कोनिकल मोल्ड। ठीक है, यानी कि कोन के बारे में हमें दिया हुआ है, सर्कुलर कोन के बारे में। ठीक है, बेस ऑफ विच इज इतना इज डायमीटर, ठीक है, अच्छी बात है, गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या दिया हुआ हमें, गिवन हमें दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर डायमीटर इज मेल्टेड स्फेरिकल कॉन, यानी कि गिवन डायमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ स्फेयर कितना होगा, दैट इज 14 सेंटीमीटर, इसका हाफ होगा ना भाई, तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ स्फेयर। अब इसको मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट किया जाता है राइट सर्कुलर कोनिकल मोल्ड में, यानी कि कोन में। ठीक है, विच इज इतना, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एंड उसके साथ साथ हमें दिया हुआ है क्या, रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा, दैट इज 35/2 सेंटीमीटर, 35/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। नाउ अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, क्योंकि स्फीयर को क्या मेल्ट करके कोन बनाया जाता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ किसका स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 πr² h, यही होता है ना भाई, यही होता है ना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, हमें तो पता है ना, 4/3 πr³, बस आपको ध्यान देना है कि ये रेडियस स्फीयर का है, ये रेडियस कोन का है, 3 से 3 मर गया, पाई से पाई मर गया, आर स्क्वायर किसका, कोन का रेडियस कितना है, 35/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं 35/2 into हाइट, हाइट ही तो हमें फाइंड आउट करना है ना, हाइट ऑफ द कोन इक्वल्स टू 4 into r³, आर किसका, इसका रेडियस, अब आर क्यूब यानी यहां लिख सकते हैं 14 into 14 into 14। ठीक है 14 into 14 into 14, ठीक है, अच्छी बात है, कुछ कैंसल होगा क्या, या मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो h इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 4 into 2 into 2, 4 into 14 into 14 into 14, 14 into
14 into 14 divided by कितना 35 into 35, ये हो गया ना 35 into 35। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे कैंसिल होगा क्या? बिल्कुल होगा, 7 के टेबल में 2 टाइम्स में 7 के टेबल में 5 टाइम्स में 7 के टेबल में 2 टाइम्स में 7 के टेबल में 5 टाइम्स में ना। हाँ बिल्कुल, तो एच इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 16 into 4 456 है ना, डिवाइडेड बाई 25। तो एच इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करते क्या 16 6 96 कैरी 9 89 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई कितना 25। इसको आप डिवाइड दे दोगे डिवाइड करने के बाद आता है 35.84 सेंटीमीटर एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना 35.84 सेंटीमीटर एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि सारा का सारा क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट किस चैप्टर के ऊपर आप वन शॉट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसी तरह से हम पे प्यार देने के लिए, हमारे हर एक वीडियो को अच्छा से अच्छा व्यूज देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।